रेडी रेडी स्टार्ट। महोदय, हमारे यहाँ पिछले कुछ दशक से उच्च शिक्षा देने वाली संस्थाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। उच्च शिक्षा से हमारा आशय स्नातक, स्नातकोत्तर, पत्रोपाधि, पाठ्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रम को संचालित करने वाली संस्था से है। 1950 में देश में सिर्फ 3 लाख विद्यार्थी इन विश्वविद्यालयों में पंजीकृत थे, जिनकी संख्या अब 50 लाख तक पहुंच चुकी है। इस प्रकार विश्वविद्यालयों की संख्या जहां 30 थी, वहां बढ़कर आज लगभग 200 हो चुकी है। पिछले कुछ वर्षों से बार बार कहा जाता रहा है कि उच्च शिक्षा पर हो रहे खर्च को प्राथमिक शिक्षा की ओर मोड़ा जाना चाहिए। वस्तुतः यह कहना उचित होगा कि उच्च और प्राथमिक शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें कभी टकराव की स्थिति नहीं हो सकती। यद्यपि राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की दृष्टि से दोनों शैक्षणिक धारा की अपनी अपनी अहम भूमिका है, उच्च शिक्षा में सरकार की हिस्सेदारी हो या न हो, यदि हो तो किस तरह की हो, आदि के सवाल पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति नियुक्त की थी। उस कमेटी का कार्य हिस्सेदारी के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करना था। समिति ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें कहा है कि सरकार को उच्च शिक्षा के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखना चाहिए। समिति ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षा के मामले में सरकार को अखंड वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। इस पहल के बगैर शिक्षा का विकास संभव नहीं हो सकता है। पूर्व में उसके खर्च की भरपाई शिक्षण शुल्क से होती थी। यह सही है कि शैक्षणिक शुल्क की वर्तमान दर विगत वर्षों से नहीं बदली गई है। कई कई जगह तो स्कूल शुल्क कॉलेज शुल्क से ज़्यादा वसूल किया जा रहा है। शुल्क बढ़ाए जाने की बात पर राजनीतिक दल के साथ विद्यार्थी संगठन इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इस कारण से फीस वृद्धि करने का विचार टाल दिया जाता है, विकास कार्यक्रम रोक दिया जाता है, विद्यालय महाविद्यालय का घाटा निरंतर बढ़ता रहता है। इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संस्था में लगातार तंगी बनी रहती है। इसके कारण उसको गैर योजना खर्च में अनावश्यक रूप से काफ़ी कटौती करनी पड़ती है। कुल मिलाकर वित्तीय सहायता के मामले पर उसे पुनर्विचार करना पड़ रहा है। अनुदान फॉर्मूले से इस विचार की शुरुआत हो जाती है। ब्राम